हाय सभी को। स्टेला, आखिरकार हमें पार्टी में आने को मिला। हाँ, मैं अब लूजर बिल्कुल नहीं हूँ। चलो मस्ती करें। ईवॉल्व भी यहाँ है। बढ़िया। स्टेला, तुम हिल क्यों नहीं रही? वो बहुत हैंडसम है। है तो, पर अपना मुंह बंद रखो, वो तुम्हें तो नहीं देखेगा। क्रिस्टी, ऐसा मत कहो। स्टेला, जाओ उसके पास। क्या तुम्हें लगता है मैं ये कर सकती हूँ? हाँ, जरूर। चलो भी, जाओ 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 जाओ। ठीक है लड़कियों, मेरे साथ कौन डांस करेगा? मैं करूँगी। मैं भी। हाँ, तुम मेरे साथ? क्या तुमने अपनी शक्ल देखी है? लिपस्टिक। तैयार हो गई? कैसे तैयार हो? क्या तुमने अपना पिंपल देखा है? मैं अपने महंगे कपड़ों में दाग नहीं लगाना चाहता। लूजर। बाय। स्टेला, चिंता मत करो, हम मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम दोस्त हैं। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चलो स्टेला। पर क्यों? खैर कोई बात नहीं, उसे पछतावा होगा। अच्छा तो इवॉल्व ने उसे रिजेक्ट कर दिया, मेरे पास यही मौका है। क्रिस्टी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? दिख नहीं रहा, वो ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल। लो ये खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया क्रिस्टी। उप्स, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, ये बुरा आइडिया था, बस एक सेकंड रुको। ये रहा, हम इस प्रॉब्लम का डील कर लेंगे। ठीक है, शायद हमें नहीं करना चाहिए। हाँ हमें करना चाहिए। तुम चाहती हो ना ये वॉल तुम्हें पसंद करे? मैं करती हूँ, पर वो नहीं। तो फिर वो जरूर करेगा। चलो भी। आउच, बहुत दर्द हुआ, सच में दर्द हुआ। हमें खुद को बचाना होगा। ठीक है चलो जारी रखते हैं। मैं नहीं करवाना चाहती। तुम्हारी ब्यूटी के लिए। फिर मैं कभी सुंदर नहीं बन पाऊंगी। मैं देखती हूँ। हाय, क्या चाहिए? हम माफी चाहते हैं, ईवॉल्व ने स्टेला के साथ गलत किया। उसने हमारे साथ भी यही सब किया। हाँ, और हम उसकी मदद करना चाहते हैं। वैसे भी बहुत कुछ है। हाँ, उम्मीद है ये तुम्हारे काम आए। शुक्रिया स्टेला, देखो हमारे लिए क्या लाए। वाह लड़कियों, मुझे तुम्हें हग करने दो। नहीं 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 नहीं, शुक्रिया, बाय। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं? अब हम तुम्हें स्कूल की सबसे सुंदर लड़की बनाएंगे। मैं तैयार हूँ। ठीक है ठीक है, हो गया, चलो जाकर देखो। ये कोई पिंपल नहीं। हाँ लेकिन अभी भी काफी काम बचा है, खासकर तुम्हारे बालों के साथ। क्या हुआ है इन्हें? ये ठीक तो है? ओह, ये बहुत बुरे हैं। तुम इन स्नोबॉल से खेल सकती हो। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? ओह, बहुत ही बुरी हालत है। ठीक है, हमें तुम्हारे दांत ब्रश करने होंगे। ठीक है, और जब तक हम तुम्हारे दांत ब्रश कर रहे हैं, चलो तुम्हारे बाल धोते हैं। चलो 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 भी। और आप झांकना मत। स्टेला, एशली, तुम कहाँ हो? ये क्या है? वाओ, ये सारा सामान कहाँ से आया? हाँ ये ले लेती हूँ, और ये भी। स्टेला चलो। ओह, मुझे कोई देख ना ले। माफ करना गर्ल्स, पर मैं भी सुंदर दिखना चाहती हूँ। नहाने के बाद कितना अच्छा लगता है, मुझे तो मैं अभी से ही सुंदर लगने लगी। पता नहीं क्रिस्टी क्या कर रही होगी, मैं जाकर उसे कॉल करती हूँ। ये अजीब है, जिन्होंने ये दिया मुझे वो लड़कियाँ नहीं याद। ठीक है शायद ये अच्छे के लिए ही होगा। अजीब है, जवाब नहीं दे रही। क्या हुआ? मैं बदसूरत हूँ। हो गया, मैं खूबसूरत हूँ। ईवॉल्व, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ ईवॉल्व, मुझे मिस किया। तुम कौन हो?
और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से मिलने का इंतजार कर रही थी। माफ करना पर ये काम नहीं करेगा। क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? आपका बिल। तुम बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी भी। सच में? मैंने तुम्हारे जैसी लड़की के सपने देखे हैं क्रिस्टिन। मैं क्रिस्टी हूँ। वही तो कहा था, मैं अभी आता हूँ, मेरे लिए रुकना ठीक है? हाँ, अब मैं ही वॉल्ट की गर्लफ्रेंड बनूंगी। स्टेला तो पक्का छुड़ जाएगी। चलो कोई नहीं, मेरा ई वॉल्ट कहाँ है? E-Walt. मुझे माफ करना, क्या पैसे आप देंगी? मेरा बॉयफ्रेंड इसके पैसे भरेगा। उसने कहा ये आपका ऑर्डर है और वो आज आपसे पहली बार मिला है। उसने तुमसे झूठ बोला और मुझसे भी। या तो पैसे दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। कोई पुलिस नहीं, मैं पैसे देती हूँ। E-Walt. हाँ E-Walt, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चलो भी, घबराओ मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करूँगी। पर मेरे पास ऐसे पायलट्स लेने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ, तब तक अपना चेहरा साफ कर लो। बचाओ, खोलो, क्या कोई है? हे, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे दरवाजे से दूर रहो। माफ करना प्लीज, मुझे थोड़ा मेकअप चाहिए, मेरी मदद करो प्लीज। खैर, मुझे क्या मिलेगा फिर? देखो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, बस इतने ही है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें मेकअप दे दूंगी। क्या करना होगा? वैसे एक लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों ना हम कपड़े बदल ले और फिर वो मेरे पीछे नहीं आएगा। हाँ? मुझे नहीं पता, हालांकि मैं ये दोस्तों के लिए करती हूँ। हाँ, शुक्रिया, बढ़िया। अब मैं और बुरी लग रही हूँ और पैसे भी नहीं है, काश ये जाया ना जाए। स्टेला देखो मैं सब ले आई। एशली ये कैसी लुक है? कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे कपड़े बदलने पड़े। शुक्रिया मेरी दोस्त, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है चलो चलते हैं, हमें बहुत सारा काम करना है। ठीक है ठीक है, अब आंखें। ठीक है हो गया। शुक्रिया अश्ली, अभी वर्ल्ड जरूर मुझे देखेगा। ऐसा नहीं होगा। ओह क्रिस्टी, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम इस आउटफिट में बेकार लग रही हो। जो भी हो, अब हम क्या करें? मुझे पास में एक स्टोर मालूम है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। क्रिस्टी क्या तुम्हें यकीन है ये हमें कुछ भी दे देंगे? मुझ पर भरोसा रखो, मैं जानती हूँ क्या करना है। हम तुम पर विश्वास क्यों करें? जरा मेरी ये वाली आउटफिट तो देखो, ये मैंने यहीं से ली है। गुड आफ्टरनून, कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, क्या बता सकते हो उस ड्रेस की कीमत क्या है? 1500। दोस्तों मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया था, यहाँ से चलते हैं। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ एक आउटफिट लेने आए हैं और ये बिना तो हम नहीं जाएंगे। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है आप लोगों के पास पैसे नहीं है और आप कुछ भी नहीं लोगे। एक डाइम भी नहीं है। स्टेला को बोलो कि उसका ध्यान भटकाए। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कैसे लिया? रुको, अगर उसने पुलिस को बुला लिया तो? वो कुछ नहीं करेगी। स्टेला क्या तुम इस लेडी से और बात कर लोगी? शायद वो दिलचस्पी दिखा रही है। उससे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ। क्या तुम मुझे वहाँ लगी ड्रेसेस के बारे में और बता सकती हो? तुम्हें सच में खरीदनी? हाँ, है ना? काफी ज्यादा हूँ। ठीक है तो सुनो, ये ड्रेस सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस है और ये दुनिया में सिर्फ एक ही है, और ये वाली। जैसे ही वो पीछे देखने वाली होगी हम भाग जाएंगे, जो उठा सकते हो उठा लो। एलॉन से है पर सब नहीं। पुलिस, उन्हें पकड़ो। भागो, जाने दो प्लीज। तुम कहीं नहीं जा रही, अभी पुलिस आएगी और तुम्हारे पेरेंट्स के पास लेके जाएगी। पेरेंट्स? मेरे नहीं है। तुम्हारा मतलब है तुम अकेली हो? हाँ, मैं उसकी पसंद बनना चाहती हूँ जो सिर्फ अमीर लड़कियों को देखता है। और इसलिए तुम्हें चोरी करनी थी? मैं ये वापस दे देती। डार्लिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। मैं तुम्हें सबसे अच्छा आउटफिट दूंगी और तुम्हें उस लड़के से बदला लेना होगा जिसने तुम्हें इग्नोर किया है। और फिर क्या? और फिर तुम मेरे साथ आके रहना, मेरे पास कोई किड्स नहीं है। मतलब हम दोनों का कुछ नहीं जाएगा? बिल्कुल, पर ये सब तुम पे डिपेंड करता है।
और तब तक ये आउटफिट ले लो। कैसी लग रही हूँ? ये बहुत बढ़िया है। जाओ, भागो और तुम्हें गुड लक। शुक्रिया, मैं इसे वापस कर दूंगी और आपके ऑफर के बारे में भी सोचूंगी। नॉक नॉक। कौन है? मैं हूँ स्टेला। स्टेला, कैसे? ये कितना अच्छा लुक है। ये तो तुमने चुराया है। चिंता मत करो, उसने ये पहनने के लिए मुझे दिया है। तुम ये वापस नहीं दोगी, है ना? मैंने उसे कहा मैं कर दूंगी। और एक बड़ी खबर है। वो क्या है? उसने मुझे उसके साथ रहने के लिए पूछा है। मतलब अब तुम्हारे पेरेंट्स हैं? हाँ, शायद। बढ़िया बढ़िया, बधाई हो। मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ ठीक है, ईवॉल्ट कहाँ है? वो हॉटीज के साथ आ गया है। तो कल तुम क्या कर? मैं आज भी वही कर रहा हूँ। खैर, लगता है मेरे पास मौका है। हाय ईवॉल्ट। हे क्रिस्टी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम एक दूसरे को जानते हो? तो ये कैफे में मुझ पर ट्राई कर रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला। पहले तुमने बोला हम साथ हैं, फिर तुम भाग गए, फिर मैंने पैसे दिए। क्या क्रिस्टी, तुम ये कैसे कर सकती हो? जानती हो ना स्टेला ईवॉल्ट को पसंद करती है। अब से तुम मेरी दोस्त नहीं हो। एक मिनट रुको, तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम मुझे पसंद करती हो? क्योंकि मैं ऐसे देखा करती थी। और अब मैं ऐसी दिखती हूँ। अच्छी लग रही है। और तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। अब वो उसे कहेगी कि वो उसे पसंद करती है और हमारी मेहनत जाया नहीं जाएगी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या? तुम बहुत बेहुदा इंसान हो। मैं तुम जैसे के साथ तो कभी नहीं रहूंगी। क्या? और हाँ, पागल है। तुमने ये क्या किया? हम इसका कब से इंतजार कर रहे थे। मुझे स्टोर में एहसास हुआ कि मुझे उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो मुझे बिना मतलब के प्यार करते हैं। खैर, तुम्हें बदलने के लिए मैंने सब छोड़ दिया। मैं सब वापस दे दूंगी, सच में। और तुम्हारे पास भी पैसे नहीं हैं। तुम गलत हो। हेलो मिस कैंडिस, मेरा हो गया, क्या आप मुझे पिक कर सकती हैं? क्या तुम सच में उनके साथ रहोगी? खैर हाँ। ये रही मैं। मिस कैंडिस, मदद करने के लिए शुक्रिया। तो क्या उसे तुमसे प्यार हो गया? लगभग, मैंने रिजेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, अब चलो चले। कैंडिस, क्या मैं अपनी दोस्त को गुड बाय कह सकती हूँ? चलो, मुझे मॉम बोलो। ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ। मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारा कार में वेट कर रहे हैं। क्या तुम सच में जा रही हो? हाँ। कैंपस में हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। अलविदा। एशली रुको। खैर, मेरे साथ चलो। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स? हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे और इकट्ठे रहेंगे। बढ़िया, बस चलो मेरे साथ, चुप रहना। खैर, अब हम घर आ गए हैं। डार्लिंग, जरा बता दो हम कहाँ हैं? हम घर पर हैं। सबको हाय। मैं आपको अपनी नई पेंटिंग दिखाती हूँ। यहाँ, वहाँ, हर जगह। आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। सच में? हाँ, चलो चले। ओह, क्या तुम मुझे बैंक में ले आई हो? नहीं नहीं, ये मेरा घर है। छुपो, जल्दी जल्दी। मिस स्टेला, और मैं अभी आपका रूम ही साफ करने वाली थी। नहीं नहीं, आज नहीं, मैं खुद कर लूंगी। आप? लेकिन ये मेरा काम है। हाँ हाँ, पर आज मैं खुद करना चाहती हूँ। और ओह, क्या आपने वो सुना? मेरी मॉम आपको बुला रही है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, आप अपना कमरा खुद साफ करने वाली हैं? आपको बुला रही है। मैं आ रही हूँ मिसेस कैंडिस। आ जाओ। ये तुम्हारी आंट है। एक सर्वेंट, कोई आवाज मत करना। मैं पक्का सपना देख रही हूँ। वहाँ पर है, मैं दिखाती हूँ। छुपो, जल्दी जल्दी करो, अंदर जाओ। स्टेला, तुम क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि मैं कपड़े रखाऊं। तुम? हाँ, क्यों? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं सर्वेंट को बुलाती हूँ। पर मुझे करना है, मैं खुद से कुछ क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ हाँ, मैं यही हूँ, क्या आप सोच सकते हैं? चली गई। एशले, आ जाओ। फिर बाल बाल बच्चे। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, फिर हम अब सेफ है। क्या ये तुम्हारा कमरा है? हाँ, मुझे पता है ये साफ नहीं है, पर मैंने अब तक इतना बढ़िया कमरा कभी नहीं देखा। शुक्रिया। डार्लिंग, मैंने सुना तुम अपना रूम अपने आप साफ कर रही हो, क्या ये सच है? हाँ, क्यों? मैं बड़ों की तरह अपना कमरा साफ नहीं कर सकती। मुझे तुम पर नाज है। किसने सोचा होगा? खुद से? क्या तुम्हें यकीन है? सब खुद से? ये लो किटन, पर रूम क्लीन मिस जैक्सन करेंगी। डैड, कोई पर नहीं। ठीक है, पर क्या मैं 5 मिनट अकेले रह सकती हूँ? और जो आप चाहते हैं वो करूँगी। 5 मिनट? पागल मत हो जाना किटन।
वो ऐसे क्यों है? शायद मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, चलो चले। हम आ गए, ये लग्जरी नहीं है पर मुझे पसंद आया। हम होटल जा सकते हैं। नहीं ये बहुत अच्छा है। वैसे शुक्रिया, किसी ने मेरे लिए कभी कुछ ऐसा नहीं किया। आराम से, अब तुम मेरी बहन हो। ठीक है तुम यहाँ रहो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। शायद मेरी जिंदगी में कुछ बढ़िया होगा। नहीं नहीं, बेहतर होगा। सही कहा। और आज का हमारा लंच स्वादिष्ट है, क्या और है? ओह, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, पर इतना ज्यादा खाना अच्छा नहीं है स्टेला। पर मैं खाना चाहती हूँ, या फिर मुझे चाहिए। बहुत टाइम हो गया हमारी बेटी ने इतना सारा नहीं खाया। शुक्रिया डैड, थोड़ा मैं और इसे अपने रूम में खाऊंगी। ठीक है मैं थोड़ा ये लूंगी और ये भी। कमरे में क्यों? हमारे घर में तीन किचन है। मैं पिकनिक करना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। आई लव यू। मुझे लगता है उसे जरूर कुछ हुआ है। वो बड़ी हो रही है, शायद उसे प्यार भी हो गया है। तुम्हें क्या लगता है? क्या क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? मैं आ गई आशली, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? खैर यहाँ सब कितना अच्छा है, मुझे इसे छूने में डर लग रहा है। कुछ भी मत बोलो, ये लो मैं ये सब अकेली नहीं खा सकती, बैठ जाओ। ठीक है। वाओ, क्या क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सुंदर बनाऊं? ओह सच में, क्या तुमने मुझे देखा है? मैं इसके लिए नहीं बनी। बकवास है, मैं तुम्हें सबसे सुंदर बनाना चाहती हूँ। सच में? हाँ, नहाने के बाद। ठीक है। लगता है यहाँ कोई नहीं है, आ जाओ। ठीक है मैं यही हूँ, जब नौ करूँ तो छुप जाना। ठीक है? ठीक है। जब मैं नौ करूँ। ठीक है। वाह, तो यहाँ शैम्पू कौन सा है? क्या ये वाला? नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल है? स्टेला डार्लिंग, क्या ये खाली है? नहीं नहीं, ये खैर आप नहीं जा सकते। पर मुझे सच में जाना है। अंदर इंसेक्ट है, बड़े वाले नहीं एलिगेटर्स है। हाँ क्या आपने सुना? कितनी बड़ी सोच है तुम्हारी। मैं सच बोल रही हूँ। ओह क्या आपने सुना? बड़े कहाँ से आए? हमें मदद के लिए बुलाना मत पड़ेगा। करो, शायद वो खुद चले जाएंगे। हे एलिगेटर, तुमने सुना? हेलो, जाओ जल्दी से आ जाओ। ओ, 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 मुझे बाथरूम जाना होगा। वो अंदर ही है, इस तरफ। हम इसका ध्यान रखेंगे सर। नहीं अंदर मत आओ, एलिगेटर तुम्हें खा लेगा। हम वेट क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं लड़की, ये मेरी जॉब है। और अंदर हमारे पास किस तरह के एलिगेटर्स हैं? एलिगेटर मुझे मत खाना। मैंने कहा था अंदर एलिगेटर है, बड़ा ग्रीन वाला। यकीन नहीं होता। ये क्या है? मुझे लगा ये फेस मास्क है। नहीं नहीं, इसे क्या हो गया? तुम्हारी ब्यूटी देखकर बेहोश हो गए। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, अब कोई नहीं आएगा। हे, तुम तैयार क्यों नहीं हो? हाँ, क्या कहाँ? स्कूल। तुमने सोचा हम हमेशा घर पर ही रहेंगे? मैं कभी वहाँ गई भी नहीं, मेरा वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। शायद तुम्हारे में नहीं पर मेरे में तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। खैर हम आ गए, मुझे स्कूल पसंद है। मिस आप कौन हैं? ये मेरे साथ है, ये मेरी बहन है अलास्का से। इनका नाम मेरी लिस्ट में नहीं है। पर वो मेरी लिस्ट में है। आपको लगता है मेरी लिस्ट से ज्यादा आपकी लिस्ट इम्पोर्टेंट है? ठीक है अंदर आ जाओ। हाय दोस्तों। हाय। देखो कौन आया, स्टेला और उसकी दोस्त। ये मेरी नई बहन है। नई? तुम इसे स्टोर से लाई हो? सेल पर बड़े डिस्काउंट के साथ। वैसे नहीं, वैसे मैं उसकी बहन ही हूँ और मैं अलास्का से हूँ, कुछ पूछना है? अलास्का से? लेकिन वो है कहाँ पर? मैं तुम लोगों को वहाँ जाने की सलाह नहीं दूंगी। अरे चुप करो, हम मजाक कर रहे थे। वेलकम, तुम्हारा नाम क्या है? एशली। हाँ स्टेला, भूलना मत तुम्हारे पास होमवर्क है। हाँ बिल्कुल, हमेशा की तरह। तुम उनका होमवर्क कर रही हो? खैर हाँ, हम दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता, वैसे ऐसे लोगों से दूर ही रहो। और अब तुम्हारे पास मैं हूँ, क्यों ना तुम मुझे स्कूल दिखाओ? ठीक है कहाँ से शुरू करें? डाइनिंग रूम से। चलो चलें। ये फिर से बहन कौन है? अलास्का से। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मियामी से हो, हमें उसे उसकी जगह पहुँचाना होगा। दोबारा अलास्का में? मैंने तुमसे दोस्ती क्यों कर ली? ये रही मेरी क्लास। तुम श्योर हो ये तुम्हारी है? होमवर्क? बस एक सेकंड रुको, हमें होमवर्क नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा करने की सलाह नहीं देती।
तुम जाओ यहाँ से और तुम उसे पकड़ो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसा तुम चाहो, तुम्हारे पास चॉइस थी, हमारे पास तुम्हारे लिए तोहफे हैं। लगता है तुम्हें वो अलास्का में नहीं मिलेगा। अलास्का में? क्या कहा? स्टेला अपना फोन निकालो, ये मजेदार होगा। तुम्हें टिकटॉक पसंद है? हाँ। बढ़िया। क्या तुमने वो देखा? सबने उसे देखा है और उसे मिलियन व्यूज भी मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं। हाँ, तुम स्टार हो, बिल्कुल सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं बस तुम्हारी छोटी बहन हूँ, याद है ना? वाओ, 10,000 फॉलोअर से ज्यादा हो गए। मेरे ख्याल से ये बस शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया, वो बहुत अच्छा था, वो मजेदार था, मुझे और देखना है। कल कैसा रहेगा? तुम्हारा बहुत बड़ा स्कूल है। खैर ठीक है, मेरे घर चलो, मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगी तुम मेरी दोस्त हो। पता नहीं अगर उन्होंने पहचान लिया तो। इस तरह बिल्कुल भी नहीं, चलो चले। मॉम, डैड, ये रही वो, इसे जाने दो। तुम्हें क्या लगा था हमें इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा? पर मैं उसे लाई हूं। चुप रहो, अब तुम पकड़ी गई हो, अब तुम्हारे लिए कुछ और होने वाला है। पुलिस 5 मिनट में आ रही है। अच्छी बात है, भागो, पकड़ो उसे। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? ले कुछ करो। आप लोग बहुत बुरी फैमिली हो। आपके साथ रहने से अच्छा मैं स्ट्रीट पर रह लूं। मैं जा रही हूँ। स्टेला, स्टेला, वापस आओ। स्टेला, मैं किसे बुला रही हूँ? मैं उनसे परेशान हूँ, मैं उनके पास कभी नहीं जाऊँगी। छोटी, तुम्हारे पास चेंज है? मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपनी जैकेट मुझे दे दो, तुम जवान हो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। हाथ हटाओ। एशली, तुम वापस आ गई। मैं बस उसे रास्ता बता रहा था। बताती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह सुरक्षित नहीं है। पर मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने अपना घर छोड़ दिया और अब मैं यहाँ रहूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, खैर तुम्हें कोल्ड हो गया है, ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ सेफ नहीं है। ये कैसा है? ये बहुत अच्छा है। सूप में क्या है? तुम नहीं जानना चाहोगी। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? कहाँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी बहन। ठीक है, हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, कल सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है? हेलो, मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आए। हाँ, मैं उसकी जियो लोकेशन आपको सेंड करती हूँ। माफ करना स्टेला, लेकिन ये हम सबके लिए अच्छा है, हम सबको पेरेंट्स चाहिए, सबको। मैं कहाँ हूँ? देखो वो जाग गई। एशली, आप पुलिस को मत बुलाओ, मेरी गलती थी, उसे कुछ नहीं पता। स्टेला शांत हो जाओ, हमें सब कुछ पता है। एशली ने ही हमें यहाँ पर बुलाया है, वो अच्छी और है। आप उसे बाहर कर देंगे, है ना, हमेशा की तरह। हम तुम्हारी बहन को कैसे निकाल सकते? कैसी हैं? सिस्टर स्टेला, मुझे अडॉप्ट कर लिया। किसने किया? तुम्हारे पेरेंट्स ने। खैर वैसे मेरे पेरेंट्स, और अब हम बहने हैं। और अब सब्सक्राइबर्स को बताते हैं। मॉम, ठीक है मैं इसे दूर कर रही हूँ। मुझे रोकना अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम दोनों बच्चों को स्कूल जाना होगा। हाँ, हम लेट हैं। मुझे भी जाना है ना? बिल्कुल, पर जाहिर है ऐसे नहीं, अब तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें बेस्ट दिखना है, ठीक है? रायन जी, मिस कैंडिस, आपको पता है क्या करना है। मिस, आप अंदर आइए, आपको मुझ पर गर्व होगा, ये बहुत ही शानदार होगा। ये 5'2" की है। वेट है 99 और 2 pounds। बढ़िया स्माइल, और सबसे बड़ी बात, बैंक अकाउंट में 100 million से भी ज्यादा डॉलर्स। हेलो सभी को, मैं हमारी पार्टनरशिप को लेकर बहुत खुश हूँ। एशली, क्लास में स्वागत है, तुम्हें जो सीट चाहिए वो ले सकती हो। मेरे ख्याल से मैं बैठूंगी उस हैंडसम लड़के के साथ। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या कोई सवाल है? ये फैक्ट है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अभी दूसरा स्टूडेंट भी है, उसका नाम है मेरा नाम लूसी है, मैं नहीं हूँ, मुझे अंदर जाने दो, वो मेरा वेट कर रहे हैं। अलाउड नहीं है। नहीं, माफ करना। ठीक है। तुम्हें लगता है मैं डर गई? नहीं। और मैं लूसी नहीं हूँ। मैं लूसी नहीं हूँ। उसे कैसे पता चल गया? बहुत हो गया।
ठीक है, जा रहा हूँ। और तुम जरूर क्लीनिंग लेडी हो? नहीं। अंदर आओ और तुम सब लोग जा सकते हो। और ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? पर मैं लूसी हूँ, मैं नई स्टूडेंट हूँ। मैं अब तक किसी से मिली भी नहीं। ठीक है, खैर मैं कल इंट्रोडक्शन दूंगी। क्या प्रोजेक्ट आज खत्म हो जाएंगे? खैर हाँ। ठीक है क्रिस्टी, तुम्हारे पास क्या है? एक वोल्केनो, ये मैंने बनाया है। ये काम नहीं कर रहा। फिर से, तुम ये सब कितनी बार कर सकती हो? केविन, तुम तैयार हो? बस कुछ सेकंड्स और फिर सावधान। लेडीज और जेंटलमैन, मैं आपके सामने पेश करता हूँ इंसानियत का सबसे बड़ा इन्वेंशन, वाइट कोका कोला। वोल्केनो काम कर रहा है। खैर मैं जीता। खैर, वाइट कोका कोला स्प्राइट होती है। ये मेरा वोल्केनो है। खैर ले जाओ। ये फिर से काम नहीं कर रहा। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए स्प्राइट खरीदूं? ये क्लियर कोका कोला है, ये सेल के लिए नहीं है। मिस्टर इवोल्ट, मैंने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है। एक बॉक्स? नहीं, ये एक मल्टी फंक्शनल इको कंस्ट्रक्शन है। मैं दिखाती हूँ। आप इसमें सो सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और क्लोजेट की तरह यूज कर सकते हैं, और ये आपके लिए फैशनेबल क्लोथ भी बन सकता है। यहाँ आप इसमें रह सकते हैं और इसमें तुम्हें बुरे ग्रेड्स भी मिल सकते हैं। खैर ये मल्टी फंक्शनल है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझे ये बॉक्स दो। नहीं, मुझे ये बॉक्स चाहिए, और कभी कभी मैं इसमें रहती हूँ, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। खैर मैं जा रही हूँ। तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? हाँ, इधर। पैसे? एक अपॉर्चुनिटी। मैं दिखाती हूँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी जगह घूम सकते हो। वाओ। स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। वो और हम स्पेस में जा सकते हैं। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? हाँ, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। केविन, क्या तुम्हारे पास गोल्ड बार है? नहीं, कैसे? ये लो, मुझे ये वैसे भी नहीं चाहिए। शुक्रिया, पर मुझे इसकी क्या जरूरत? तुम इसे एक बुक स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, शुक्रिया। केविन, तुम्हारे पास आईफोन है? मेरे पास फोन है और ये काफी है। ये लो। और ये हमारे ट्विन आईफोन्स होंगे। अगर तुम इसे एक साथ रखोगे तो ये एशली के साथ केविन, जिसका मतलब प्यार। नहीं। एशली, पर आज मेरा बर्थडे नहीं है, तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रही हो? इसकी कोई वजह नहीं है, मुझे तोहफे बांटने अच्छा लगता है, अगर तुम्हें ना पता हो तो। ओह बेल, क्लास में जाने का समय है।
रोमांटिक डिनर। क्या टोस्ट, हैमबर्गर, सैलेड? नहीं शुक्रिया, मैं थोड़ा ब्रेड खाऊंगा। क्या हो गया, क्या मैं क्लास में जा सकता हूँ? हाँ, सारी क्लासेस कैंसिल कर दूँ। पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुँच गए हैं, शुक्रिया। और आज स्कूल कैंसिल हो गया, अब बस तुम और मैं हैं। कितना डरावना सपना था, आज के बाद सोने से पहले मैं टिकटॉक नहीं देखूंगा। कितना प्यारा सपना था, बुरी बात है ये सिर्फ सपना था, लेकिन गिफ्ट आइडिया अच्छा है, मेरे ख्याल से मुझे कल करना चाहिए। कोई क्लास नहीं है, तुम्हारा क्या बचा है? ये सपना था, फ्यू, मुझे भूख लगी है। हनी, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, पिज्जा, सुशी या ब्रेड? अपनी आंखें बंद करो। एक और प्रेजेंट, एक से ज्यादा, तुम्हें ये बंद करना चाहिए। हमें करना होगा केविन, हमें करना है। टडा! ओह, शुक्रिया। वाह, मेरे पास खुद का डेस्क है और एक चेयर। वाओ, ठीक है, तो मैं अपना सारा सामान डेस्क पर रख सकती हूँ। मैं इसे कहाँ रख सकती हूँ? यहाँ? नहीं, यहाँ पर, या फिर वहाँ। बचाओ। एक और बस। केविन, केविन, तुम कहाँ गए? क्या मैं साथ बैठ जाऊं? बिल्कुल, यहाँ सबके लिए बहुत जगह है। ये लो। शुक्रिया, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। वो कहाँ गया? ओ, वो रहा। केविन, तुम अपनी जगह पर क्यों नहीं हो? क्योंकि वहाँ बैठने की जगह नहीं है। सही कहा, पर मैं यहाँ बैठती हूँ। ये अच्छा आइडिया है, बैठ जाओ। वाओ, ये लो, ये, और फिर ये, और मेकअप बैग प्लीज। लेकिन इसे रखने की जगह नहीं है। और ये बस पहला स्कूल बैग है। गुड आफ्टरनून क्लास, ये सब क्लास में क्या रखा है, क्या तुम कहीं जा रही हो? क्लास में ये सब कुछ एशली ने फैलाया है। हाँ, ये स्कूल के डेस्क और चेयर हमारे कंफर्ट के लिए नहीं है, मैं आपकी सर्विस को एक स्टार दूंगी। और हमारे पास कोई और सर्विस नहीं है। हमारे पास कुछ ही मिनट में नए वाले होंगे। और ये बेहतर है। केविन, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम आ रहे हो। आ रहे हो? केविन, बैठ जाओ। हाँ, आओ बैठ जाओ जमीन पर। और आज के लेसन का टॉपिक है सर्कल के डायामीटर और रेडियस। खैर, वैसे ऐसे बैठना सबसे अलग है। वाओ, मैं पेरिस कभी नहीं गई। वहाँ कुछ भी नहीं है, बस एक टावर। खैर, आईफिल टावर? हाँ, बस वही, कहाँ जाए तो बहुत बोरिंग है। लूसी, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगी? हाँ, ये दुनिया देखने का अच्छा मौका है। मैं भी देखना चाहूँगा। हाँ, फिर मैं भी, मेरे ख्याल से चीजें बदल गई हैं। भैया, एक टीम। यूहू, केविन, क्या हम चलें? लूसी, एक टीम, चलो चलें। टेस्ट को लेकर मैं बहुत डरी हुई हूँ, अगर मैं फेल हो गई तो। फिक्र मत करो, हम ये कर लेंगे। गुड आफ्टरनून क्लास, आज हमारा टेस्ट है, ये ले लो। शुक्रिया। शुरू करो, मेरी तरफ से सबको गुड लक, शुरू करो।
हेलो, हाँ हम समझ गए, ये बहुत जरूरी है। हमारे पास और कितना समय है? ये नामुमकिन है। उसने तुम्हारा फोन काट दिया, अब हम क्या करेंगे? टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेस्ट का इशू सुलझ गया। मुझे बस चुनना है जब मैं पैरिस जाऊंगी तो क्या पहनूंगी। आह, मेरा पेपर और पेन कहाँ है? एशली, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन और पेपर है? माफ करना दोस्त, बस फोन है। आह, बहुत बुरा। ठीक है केविन, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? नहीं, एक पेंसिल। ओ कैसे, ये लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया केविन। तुम्हारे पास एक और पेंसिल है? नहीं, मैं बस पूछ रही थी। लूसी, टाइम बढ़ता जा रहा है। चलो अब अपने पेपर्स दे दो। एशली, तुम्हारा कहाँ है? डिलीवरी आती ही होगी। क्या, कैसे डिलीवरी? ये रही। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बस लेकर आने में आलस आ रहा था तो मैंने डिलीवरी ऑर्डर कर दी। अमीरों के अपने तरीके है। ये हम पेरिस जाएंगे। इतने इजी एग्जांपल को तुम सॉल्व नहीं कर पाए। मैंने तुम्हें पैसे किस लिए दिए थे? तुम्हें निकाला जाता है। निकाल दिया? नहीं, मैं फिर से एलन मस्क के साथ काम करूंगी। ओ नहीं, ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। ये स्कूल टेस्ट सॉल्व करना नामुमकिन है। लूसी, हम फिर मिलेंगे। मैं 9 बजे तुम्हारा बस के पास इंतजार करूंगा। हाँ, मैं बाद में मिलती हूँ। लूसी, क्या तुम पक्का पेरिस जाना चाहती हो? मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला है। मेरे पास बेहतर आइडिया है। क्या? मेरी जैसी बन जाओ। वो कैसे? बहुत आसान है, कुछ टाइम के लिए मेरी जिंदगी जियो। और तुम? और मैं तुम बन जाऊंगी। सच में ये मेरे लिए एक एडवेंचर होगा, शायद बेकार। और पेरिस? जरा सोचो, एक प्राइवेट रूम, बहुत सारा खाना और बहुत बहुत पैसे। खाना? क्या मुझे केक्स मिलेंगे? जितने चाहो उतने। पेरिस तो मैं यूट्यूब पर भी देख सकती हूँ। वाओ, क्या हम म्यूजियम में हैं? नहीं, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? शोर मत करो, हम दिखने नहीं चाहिए। ओके। ठीक है, मेरे रूम में चलते हैं, चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। थोड़ा धीरे चलना कैसा रहेगा? चलो भी, ज्यादा नहीं चलना। मुझे छोड़ दो, अकेली जाओ। हाँ, हम पहुंच गए हैं। चलो भी। मेरे घर में स्वागत है। क्या ये सपना है? ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, ऐसे पड़े रहना बंद करो। तुम्हें मेरी तुम्हारे जैसे बनने में मदद करनी होगी और फिर मैं करूंगी। हाँ, समझ गई। चलो चलकर देखें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेज हो गया। और अब नए कपड़े? नहीं, हम एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखेंगे। ठीक है। खैर, ये एक वर्कआउट ही है। हाँ, हम अच्छे लग रहे हैं।
मैंने तुम्हें कैसा सिखाया था? आसान बेबी, हम शानदार हैं। खैर, क्या अब हम चलें? बेबी, क्या तुम कुछ भूल नहीं गई? लेकिन ये मेरी पूरी जिंदगी है। ठीक है। वाव, तुम ये लो। ये क्या है? ठीक है, चलो चले, मेरा प्लेन छूट जाएगा। लूसी, ठीक है, गुड बाय। तो ये याद रखना, तुम मैं हूँ, बहुत प्राउड, रिच, किसी का डर नहीं, किसी की नहीं सुननी। हाँ, क्या? कैरेक्टर में आ भी गई। खैर, मैं जा रही हूँ, मैं यूरोप से तुम्हारे लिए याद दिलाऊंगी। दोस्त, अब शुरू करो। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि कोई मुझसे मिल क्यों नहीं रहा। क्या मुझे सबको निकालना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, मुझे गर्व है। एक मिनट, एशली, मैं कभी गरीब नहीं थी। क्या होगा अगर मैं नहीं कर पाई? हमें वापस आना होगा। केविन, हमें जाना होगा। हाँ, हाँ, बचाओ। डार्लिंग, तुम खा क्यों नहीं रहे? हाँ, आज मौसम ठीक है। मैं खोलता हूँ। तुम? हाँ, हो सकता है कोई खास आया हो। मिस्टर, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? गुड। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मैं अकेली रहती हूँ। वहाँ, वहाँ मोटर होम में। मेरे साथ आओ। डार्लिंग, कौन है? गर्ल, जाओ यहाँ से। मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। ठीक है। नहीं, ये हमारे साथ रहने वाली है। क्या? 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 हाँ, और मैंने इसे अडॉप्ट करने का डिसाइड किया। पर कैसे? और तुम्हारा नाम क्या है? एशली। कूल, ये एक रॉयल नेम है। अंदर आओ। क्यों ना हम उसे थोड़ा खाना दे दे और वो चली जाए। मैं बस मजाक कर रही थी। आज की सुबह सबसे बुरी है। मैं सहमत हूँ। नहाने की तैयारी करो और साफ कपड़े निकालो। एशली के लिए? मेरे लिए। शुक्रिया। रुको, तुमने अपने हाथ देखे हैं? डार्लिंग, वो हमारे सारे कटलरी खराब कर देगी। कोई बात नहीं, हम नए ले लेंगे। लो, ये इस्तेमाल करो। उस पर ये स्प्रे करो। रुक जाओ, उसको पहले खाने दो। एशली, तुम कुछ और खाना चाहोगी? मुझे नहीं पता, बर्गर्स और पिज्जा। क्यों ना कुछ हेल्दी खाए? हनी, एक हेल्दी बॉडी को ज्यादा खाना चाहिए, तो हमारे लिए सब कुछ स्वादिष्ट, मीठा और कुछ अच्छा सा। खैर, सब ले आओ। खाना, खाना, खाना। अब बॉन एपेटिट। मैंने कहा था ये एक अच्छा आइडिया है। आराम से खाओ, चम्मच तो इस्तेमाल करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बर्गर बहुत पसंद है। मुझे भी। एक और पिज्जा का स्लाइस। नहीं, नहीं खा सकती। तो केक लेकर आओ। मुझे अपनी नई फैमिली पसंद है। मैं भी। एशली की गंदगी साफ करने के लिए इतना साबुन काफी होगा। मैं जीतने वाला हूँ। आप नहीं जीतोगे।
डार्लिंग, अगर तुम्हें उसे रखना है तो उसे साफ रहना होगा, शायद नहीं करना चाहिए। एश्ली चलो आओ, बाथटब तैयार है। मुझे नहाना पसंद नहीं। आज नहीं तो कभी नहीं। डार्लिंग बाद में करेंगे। क्या वो चली गई? चलो शुरू करें। ठीक है, मैं अभी आई। पकड़ लिया। बचाओ। देखो मेरे पास क्या है। चलो पहले बाथरूम में जाओ। हमें नया ब्रश चाहिए होगा और एक नया स्पॉन्ज। मत बनाओ, मुझे अपना हाथ दो। हमें इसके लिए कुछ बड़ा चाहिए। क्रिस, तुमने कभी मैनिक्योर का नाम सुना है? क्या ये किसी तरह का खाना है? अच्छा ठीक है, क्या मैं बाहर आ सकती हूँ? रुको, और बालों का क्या? लेकिन ये गीले हैं। ये गीले और गंदे हैं। जब तक मैं इसके बाल धो रही हूँ, इसका जैसे मर्जी ध्यान भटकाओ। ये इसमें कैसे आ गया? मेरे कपड़े कहाँ हैं? चलो भी खैर, चलो भी। एश्ली, खेलना बंद करो, अब पढ़ने का समय है। लेकिन आज मैं टैबलेट यूज कर चुकी हूँ। अपनी टीचर से मिलो, मिस्टर पार्कर। गुड आफ्टरनून एश्ली। वैसे टैबलेट कैसा रहेगा? नहीं, ठीक है। ध्यान मत भटकाओ। ये बोरिंग है। सीखना बोरिंग नहीं है, ये बहुत मजेदार है। देखो, साइंस। ठीक है, अगर तुम्हें ये अच्छे से चाहिए तो तुम्हें इसे अपने तरीके से करना होगा। केमिस्ट्री क्लास में जाना कैसा रहेगा? ओह, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बेशक, हम क्या करने वाले हैं? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन? मेरा मतलब एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स, बेशक, बढ़िया। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। खैर, कहाँ पर है? किचन में। बैठ जाओ, मैं लाता हूँ। खैर, सिर्फ पानी ऐड करना बचा है। मैं पीछे हट जाती हूँ ताकि मैं अच्छे से देख पाऊँ। ठीक है। मुझे समझ नहीं आया, ये कैसे हुआ? देखो, केमिस्ट्री बहुत खतरनाक है और इसे पढ़ना भी। हम खेलते क्यों नहीं है? तीन, दो, एक, चलो। मिस एश्ली, संभाल कर। ये घर नहीं है, ये स्ट्रीट सर्किट है। क्या आपको लग गई? नहीं, मुझे और चाहिए। मिस एश्ली, शांत गेम के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये रे कुछ फेल्टी पेंस बनाओ। क्यों नहीं, ये एक बढ़िया आइडिया है। मुझे नौकरी से निकाल देंगे, शायद वो ध्यान ना दें। खैर नहीं, मेरी नौकरी जाने वाली है। मुझे स्लाइड पर जाना है। पर हमारे पास स्लाइड नहीं है। आपके पास एक है, ये लो, मैंने ये 100 बार किया है। चलो अब स्लाइड। मैं नहीं, मैं उन्हें बताऊंगी तुमने कर दिया। मुझे हेलमेट दो। वाओ, ये कितना बढ़िया है। फिर से करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, ये किसने किया?
ये बदतमीजी है। सबके सब यहाँ आ जाओ। तुम निकल जाओ और तुम अब कहीं नहीं जाओगी। चुप रहो। क्या कर रही हो? तुमने इतनी पेंटिंग्स खराब कर दी। अगर मेरे फादर ये देख लेते तो। वाओ, कितनी कूल स्लाइड है। चलो स्लाइड पर चलें। पर डार्लिंग, देखो इन्होंने यहाँ क्या किया है। मुझे भी शॉक लगा। मुझे पार्क भी नहीं जाना पड़ेगा। जो भी आखिर में आएगा हारेगा। ये क्या है? मॉम, मैं? डार्लिंग, हमारे साथ आ जाओ, मजा आ रहा है। बस एक सेकंड। डैड, मॉम थोड़ा गुस्सा है। खैर, ये मेरी गलती है, लेकिन ये बस आप जानते हैं ना। हम स्लाइड क्यों नहीं कर रहे? इंतजार किसका है? वाओ, कितना कूल है। हम करें। ये ठीक है। मैं कैसा लग रहा हूँ? ओह हेलो, आ जाओ। क्यों ना म्यूजिक लगा कर डांस किया जाए? नहीं कर सकते, बहुत भारी हैंडबैग्स। हाँ दोस्तों, बर्गर और पिज्जा कैसे रहेंगे? ये गरीब लोगों का खाना है। हमें हमेशा शेप में रहना होता है। चलो बस पैसे गिनते हैं। ये एक बढ़िया आइडिया है। तुम थक गए हो। अमीर लोग कितने बोरिंग होते हैं। हाँ, समय हो गया है। कैसे अब? मैं आपको हमारी बेटी से मिलवाती हूँ, एशली। बेटी? उनकी बेटी है क्या? मैं गिनती भूल गया। हाँ, वो कितनी अजीब है। हाँ, एशली, हमारी फैमिली फ्रेंड से मिलो। हेलो सभी को। हे, आप सब कैसे हैं? कैसे हो आप? वाओ, पिज्जा मेरा पसंदीदा। कोई खा क्यों नहीं रहा? हम ऐसा खाना नहीं खाते। मेरा पेट भर गया। हम डांस करें? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। चलो फिर, तुम बूढ़े इंसान जैसे हो, मजे करो। तुम बहुत ही शरारती हो। रिच डॉटर ऐसी नहीं होती। मेरी ड्रेस का क्या? अपना बोलने का तरीका देखो, अपने लुक और तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। घटिया, क्या तुम जाओगी यहाँ से? एक मिनट रुको, मैं बस अभी। डियर गेस्ट, अपने पैसे और गोल्ड लेकर यहाँ से बाहर निकलो। क्या? क्या? पार्टी खत्म होती है। लेकिन मैंने अच्छा सोचा था। बुरा मत मानो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं उनसे थक गई हूँ, वो मस्ती करना बिल्कुल नहीं जानते। हनी, मुझे माफ करना। स्वीट हार्ट, अपनी मॉम से माफी मत मांगो। मॉम? हाँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो मैं रुक सकती हूँ? बिल्कुल। तो हम डांस करें? तुम आज बहुत अजीब लग रही हो, क्या कुछ गलत है? क्या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? क्या तुम्हें मेरा दिया वायलेंट पसंद नहीं आया? क्या आज तुम्हारा कोई बर्थडे है? डैड, नहीं। अफ, तो फिर आज क्या है? खैर मेरी जान, एक चीज हो सकती है। खैर मॉम, मैं समझाती हूँ। डैडी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हमने शादी करने का सोचा है। पर अभी तो तुम बच्ची हो, कितने 12 साल की हो? 24। हाँ, बस थोड़ी सी बड़ी। मेरा मतलब अभी बहुत जल्दी है, और वैसे भी मेरी परमिशन के बिना मेरी बच्ची से बात करने की हिम्मत किसकी हुई? डैड, वो हमारे साथ यहाँ है। मुझे नहीं दिख रहा। मैं समझ गया, ये एक मजाक है, आजकल क्या कहते हैं, प्रैंक। बहुत अच्छा। हेलो, मैं ब्रैंडन हूँ। बस एक सेकेंड। डैड, चलो शुरू से शुरू करें। लेकिन आप कैसे? मैं बाद में समझाऊंगा। और और तुम मुझे बताओ, तुम दोनों आखिर मिले? हाँ। ओह, ये बहुत रोमांटिक था, म्यूजियम में। ओह डार्लिंग, मैंने तुम्हें कहा था कि आर्ट से किसी का भला नहीं होता, और उससे पैसे तो बिल्कुल नहीं आते। हश 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 हश।
मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अच्छी और आरामदायक जिंदगी दे सकता हूँ। मुझे बताओ तुम आखिर कौन हो और तुम्हारी अमीर जिंदगी कहाँ है? रुको, क्या ये शर्ट तुम अपने हाई स्कूल से पहन रहे हो? और ये वॉच कहाँ से आई? क्या तुमने चुराई थी? तुम भी एक क्रिमिनल हो, चुप रहो। क्या तुम यहाँ बस से आए हो? क्या मैं तुम्हें कैब के पैसे दे दूँ? डैड, जस्टिन, ये देखो। ये क्या है? मेरे फादर को माफ करना, उन्होंने काफी समय से लोगों से बात नहीं की, उन्हें बस चिंता है। हाँ, मैं समझ गया। ये कितने कमाता है? ये तो मेरी सोच से ज्यादा अमीर है। क्या तुम्हें ये सच लगा? डैडी भी मजाक कर सकते हैं। खैर, ये एक टेस्ट था और तुम पास हो गए, बधाई हो। ठीक है, फोन? डैड, कोई कॉल नहीं कर रहा। ये एक सीक्रेट फोन है। तुम लोगों को गुड लक, मैं तुम्हें जूम पर मिलता हूँ। हेलो। उनकी बात का बुरा मत मानना, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं और हम हमारे बारे में ही की बात कर रहे हैं। तुम दोनों बताओ ना, तुम कैसे मिले थे? हाँ, ये बहुत दिलचस्प स्टोरी थी। क्या तुम ब्रेंडन एशली को अपनी वाइफ मानते हो? नहीं, मुझे पलटो, कुछ नहीं दिख रहा। माफ करना, आगे बढ़ो। क्या तुम ब्रेंडन? हाँ बिल्कुल। क्या तुम एशली? सॉरी। हनी, क्या बारिश हो रही है? सब कुछ धुंधला क्यों है? डैडी, चलो आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ। तुम्हें घोषित करता हूँ पति और पत्नी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। हमारी फैमिली में बहुत जल्द एक छोटा मेहमान आएगा। क्या आंट मे आ रही है? नहीं डैड, तुम मेड तो रखोगे ना, बहुत सही रहता है। नहीं मॉम, हमारा बेबी बॉय होने वाला है। हुर्रे! हाँ, अब आखिरकार मैं डैड बन गया, तुम्हारा फादर हूँ। या फिर तुम चाहते हो कि मैं उसका भी फादर बनूं? ओह रुको, तुम्हारा मतलब तुम्हें बेबी होने वाला है? हाँ, सबसे अच्छा बेबी और सबसे फेवरेट वाला और अमीर। और अमीर, लेकिन अभी कह चुके हैं जितना अमीर बनो उतना ही कम है। क्या मुझे सबकी अटेंशन मिल सकती है प्लीज? चलो एक फैमिली फोटो ले। ग्रेट। और वैसे मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए तोहफा सोचा है, मैं प्लैनेट खरीदूंगी। वाह, हालांकि ये 500 ट्रिलियन डॉलर्स का है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? कितना? डायमंड टेबल और डायमंड चेयर्स, तुम सही समझे। रुक जाओ, मुझे कॉल आ रहा है। हाँ, ले लो, पैसों की चिंता मत करो। मॉम, क्या मैं जाऊं? एक सेकेंड, कहाँ पर? मैंने अभी तक तुम्हें तोहफा नहीं दिया। मैं तुमसे बात नहीं कर रही जस्टिन, और तुमसे लूसी। हाँ बिजी हूँ, दोनों को बोल रही हूँ। हाँ खैर, हम केक से शुरू करें। देखो कहाँ? ओ हाँ, सही कहा, कहाँ? केक। ये रहा। क्या ये खूबसूरत नहीं है? और भारी। पर मैं कैंडल तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मोमबत्तियां नीचे लगाओ प्लीज। ठीक है, यहाँ ये लो। पर मैं 12 का हूँ और इसमें 10 ही कैंडल्स हैं। इसका क्या मतलब है? खैर, तुमने खुद ही बोला था 10। मुझे कैसे पता होगा इतना बड़ा हो गया? असल में मैं यही हूँ और मैं सुन सकता हूँ। मैंने कहा तुम बहुत जल्दी बड़े हो गए और तुम बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल मेरी तरह। देखो अब 12 है, फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे। एक सेकेंड। हेलो, गोल्ड नहीं सिल्वर। थोड़ा केक लेना चाहोगी? नहीं शुक्रिया, मुझे स्वीट से एलर्जी है, मेरी मॉम हमेशा भूल जाती हैं। क्या मैं खा लूं? हाँ बिल्कुल।
कैसे लगा? क्या अच्छा था? ये बहुत बढ़िया है। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। अब अपनी आंखें बंद करो, मम्मी के पास तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या वो एक आईफोन है? हाँ, 14 ब्लू गोल्ड। बिल्कुल पिछले साल की तरह? नहीं, पिछले साल डायमंड वाला था। ये तुम एक हाथ से पकड़ सकते हो। शुक्रिया मॉम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। बस तुम मजे कर सकते हो, मम्मी के पास काम है। शायद हमें डिज्नीलैंड जाना चाहिए। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूँ? नहीं, मुझे आपके साथ टाइम बिताना था। क्या हम चलें? हाँ जरूर। क्या हम अगले हफ्ते जाएं? नहीं, ये सब बुक है। 6 महीने में फ्री आवर्स है। हाँ, मैं अभी प्लेन में चढ़ रही हूँ। मेरा स्विम सूट ले आओ, चलो ये पार्टी शुरू करें। बाय। असल में ये मेरा बर्थडे है। गलती हो गई, माफ कर दो। स्माइल करो बेब। ठीक है, एक और बार। अब मेरी फोटो लेना। चलो इसे बाद में करते हैं। हाँ, तुम बहुत खराब हो। खैर गुस्सा मत करना किटी, लेकिन हम तुम्हारे इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स कभी और भी ले सकते हैं। क्या हुआ? प्रॉमिस? हाँ। तुम कसम खाते हो? हाँ। देख लो, सच कह रहे हो ना? क्या हम क्लोज है बेब? बाहर प्लेन हमारा वेट कर रहा है। मेरी स्किन को वार्म्थ और टैनिंग की सख्त जरूरत है। रुको, चलो यहाँ पर 10 मिनट तक और बैठते हैं। मैंने अपनी माँ को अब तक नहीं बताया कि मैं शादी कर रहा हूँ। सच में? मुबारक हो। तुम किससे शादी कर रहे हो? तुमसे। बिल्कुल, मुझे याद है। हम आइलैंड्स पर शादी करेंगे। और मैं सोच रही थी कि मैंने अपने लिए व्हाइट ड्रेस क्यों खरीदी। तीन व्हाइट ड्रेसेस और एक रेड वाली। खैर अगर कुछ हो गया तो व्हाइट वाली सैंड और क्लाउड से मैच होगी और रेड वाली फरारी से मैच होगी। कैसी फरारी? वो जो तुम मुझे देने वाले हो। तुम दोगे है ना? हाँ बिल्कुल। लव यू मेरे लिटिल बेयर। ओह मॉम, हाय, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम हेलो, मैंने कहा मैं शादी कर रहा हूँ। मॉम, क्या ये तुम्हारी बहरी दादी माँ है? ये बहुत अच्छी है। तुम्हें पता भी नहीं कि वो 100 से ऊपर है। वो मेरी माँ है। क्या ये ग्रैंड माँ तुम्हारी माँ है? नहीं, मेरी ग्रैंड माँ लंदन में रहती है। और ये मेरी माँ है और वो यहीं रहती है। और वो बहरी नहीं है। मॉम, एयरपोर्ट निकाल दो। हेलो, और ये कौन है, तुम्हारी नई मेट? दरअसल हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मॉम, ये मेरी फियांसे किम है। सोचा कि आपसे मिला दूं। कितना शर्मनाक है। कोई बात नहीं मॉम, हमें बुरा नहीं लगा। मैं बस ये कह रही थी, ये पिलो बड़ा अजीब है। हाँ, अब काफी अच्छा है। मैं क्या बात कर रही थी? मैं शादी कर रहा हूँ। हाँ, क्या कहा जाए? यही कि आप भी बहुत खुश हैं। हाँ, मुझे याद है जब तुम छोटे थे, तुम अपनी बाइक से गिर गए थे और तुम्हारे स्क्रैच भी नहीं आया। मैं बहुत खुश थी तब। मॉम, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, मैं भी अपनी बाइक से गिरा करती थी जब तक मुझे पता नहीं चलता था कि उसमें पैडल्स हैं, कार के जैसे, है ना हनी? तुम्हें उन्हें स्पिन भी करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। देखो, तुम्हारे टिकटॉक पर नई वीडियो आई है जो तुमने मिस कर दी। शुक्रिया। तुम बेस्ट हो, तुम और टॉम हॉलैंड। ठीक है, मुझे दिमाग के खेल समझ नहीं आते। शादी की तुम्हें बधाइयां हो, क्या मैं अब जा सकती हूँ? रुको प्लीज, मेरी बात तो सुनो। वैसे पैसे खत्म हो गए हैं। क्या? नहीं, पैसे मु-
मुझे नहीं समझ आ रहा तुम्हारे मुंह में कुछ गड़बड़ है। मॉम मुझे पैसे चाहिए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शुक्रिया मॉम शुक्रिया, मैं वो सब वापस कर दूंगा, वादा करता हूँ। ठीक है आ जाओ। ये क्या है? यहाँ से पैसे आते हैं। एक जॉब। एक पोर्टर? एक ट्रक ड्राइवर? वेटर? क्या मजाक कर रही है? खैर यहाँ पर जेनिटर भी है, एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। तुम्हारी अच्छी बॉडी है, यूनिफॉर्म अच्छे से आएगी। खैर मॉम मैंने पहले कभी काम नहीं किया है। बहुत अच्छा, ये एक नया एक्सपीरियंस है, मेरी तरह से तुम्हारा वेडिंग प्रेजेंट। हाँ हे बेब, क्या अब हम जा रहे हैं? मैं फोन पकड़े पकड़े थक चुकी हूँ। चुप करो। तुम्हें चुप रह कर तुम्हें कैसे शिकायत करूँगी? इस बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखो। अच्छा आइडिया है। बस एक सेकंड। मॉम प्लीज मुझे $1,000,000 दे दो, ये कम से कम 10, बस शुरू करने के लिए। पर तुम्हारे पास 100 है, इसका क्या मतलब? बस मैं और नहीं बात कर रही। और हम रहेंगे कहाँ? पर हम क्या खाएंगे? ये लो ये मेरी तरफ से है, और ये अपने फियांसे के साथ शेयर कर लेना। क्या खाएंगे? ध्यान रखना वो ऐसा वैसा ना खाती हो। वैसे मुझे भी ये टॉम हॉलैंड पसंद है, वो कई बार मेरे गार्डन में काम करता है, तो तुम वहाँ आकर देख सकती हो जब तुम्हारे पास समय हो। वो कई बार डांस करता है। शानदार, तुम्हारे मॉम कूल है। हाँ वो कूल है। क्या तुम बनाना खाओगी? क्या इसमें ग्लूटेन है? नहीं। ठीक है फिर। ये स्वादिष्ट है, पर बीच में कुछ आ रहा है। छिलका। कपड़े। मैं जल्द से जल्द अपना स्विम सूट पहन कर देखना चाहती हूँ। खैर कार के पास जाओ। जाओगी? सही कहा, हमें जल्दी करना होगा। एग्जिट कहाँ है? ये क्लोजेट है, दरवाजा इसके साथ में है। यहाँ सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है, हमें यहाँ पर साइंस और इंस्क्रिप्शन लगाने चाहिए। नहीं शादी मेरे बस की नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ, खासकर मेरी वाइफ का दिमाग घुटनों में हो। मॉम मॉम क्या आप विश्वास करेंगी, हमने ब्रेकअप कर लिया, मुझे आपके साथ रहना है। मॉम चलो डिज्नीलैंड चले। हाँ दुनिया की सबसे अमीर औरत अपने 90वें जन्मदिन से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। मैं उसे बहुत प्यार करता था, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। झूठे, तुम हर बार भीख मांगते रहते थे, नई कार के लिए, घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर कोई है जो उनसे सच में प्यार करता है वो मैं थी। मेरे लिए आप सबसे अच्छी ग्रैंड मदर थी। हाँ बिल्कुल, हमें भरोसा है। लेकिन 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 उनके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागना, गोल्ड के बार्स और पैसे इकट्ठे करना, तुम्हारे पीछे क्या है? ये मेरा है। अभी तुम्हारा है, तुम इन सब चीजों को पाने के लायक नहीं हो। मैं ही उनके सबसे करीब थी। नहीं मैं हूँ। नहीं वो मैं थी। मैं हूँ। नहीं मैं हूँ। नहीं मैं हूँ। मैं उनसे ज्यादा प्यार करती थी। देवी और सज्जनों वसीयत, मैं पसंदीदा थी, बिल्कुल नहीं, पैसों की हकदार मैं हूँ, क्योंकि वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो मुझे प्यार करती थी। मुझे दूर हटो, ये पैसे मेरे हैं। शांत हो जाओ। वसीयत, बैठ जाइए। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे पैसे, मेरी वो सारी चीजें जो मैंने कमाई पर नहीं खर्ची, मेरे सभी घर, गाड़ियाँ और यॉट्स और आइलैंड्स, मेरे सारे गोल्ड कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स मिले मुझे। हाँ सही सुना, मुझे। ओ मेरा मतलब उनको। क्या क्या मतलब इसका? अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। बहुत ही बुरी औरत, मुझे कभी पसंद नहीं आई। मुझे शर्म आती है कि मैं उन्हें जानता हूँ। इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपनी जिंदगी में कभी रिश्तेदार नहीं बनाऊंगी। अब मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? खूब बनाया। आखिर में हम आपको एक सरप्राइज देना चाहेंगे, आगे क्या होगा? ओ, ये काफी अच्छा है।
ये काफी अच्छा है कि तुम बताओ कि तुम मर गए हो और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। ओ मैजिक, शुक्रिया माय डार्लिंग। पानी खत्म कर दोगे? ठीक है, ये बढ़िया है, आपने कर दिखाया। 90 साल की उम्र में जिंदगी की शुरुआत होती है और हर चैनल पर आप ही हैं। वो पुरानी जिंदगी थी, क्या मेरी बोट तैयार है? हाँ जी मिस एशली, मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए वर्ल्ड टूर पर जाऊंगी, वर्ल्ड टूर पर जा रही हूँ, मेरी नई जिंदगी।